सो हेलो ट्रेडर्स, तो आज हमने जिस तरह हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करने वाले हैं, तो उसी वादे को हम पूरा करते हुए आज पार्ट वन में हम हैमर कैंडल किस तरह बनते हैं और कापर बनते हैं दोनों चीज़ जानने वाले। सो हेलो ट्रेडर्स, तो आप सकते हैं हैमर कैंडल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहली मेन बात जो होती है कि हैमर रेड बने या ग्रीन बने ये मैटर कभी नहीं करता है। हैमर जब भी बने हो बॉटम पे बनना चाहिए, और हैमर के तरह जो बनता है हो टॉप पे हो होता है हैंगिंग मैन, होम पार्ट टू में देखने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हैमर जब भी बनता है तो उसके शैडो 2 और 3x ज़्यादा होते हैं अपनी बॉडी से, ओके। और अगर आपको जब भी हैमर पर अपना ट्रेड प्लेस करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंफर्मेशन ट्रेड बने, जो भी कंफर्मेशन कैंडल बने, उसने हैमर का हमेशा हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर अगले कैंडल ने अगर हैमर का हाई ब्रेक नहीं किया है तो आपको वहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, जिस वजह से आपका जो पैसे हो वेस्ट ना हो। और आप जो फोटो आपके सामने आ रहे हैं आप और देख सकते हैं, हैमर बॉटम पर रेड बने तभी भी ट्रेड ऊपर जाने वाला है, बॉटम पे हैमर रेड बने तभी भी ट्रेड ऊपर जाने वाला है।